नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। डूब गया मुंबई, रेलवे की पटरियां पानी में डूब गई है। रेलवे के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। रेल व्यवस्था बुरी तरीके से ठप पड़ गई है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इस समय मुंबई के अंदर हालात बेकाबू हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार भी बंद हो गए हैं। पता दी कि बुधवार शाम को भारी बारिश शुरू हुई थी, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोकल ट्रेनें की रफ्तार पर बारिश ने रोक लगा दी है। कम से कम अब तक दोस्तों 15 उड़ानों को भी डाइवर्ट किया गया है। बता दें कि 5 घंटे के भीतर मुंबई के अंदर 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हुई है, जिसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं। चारों ओर इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं दोस्तों भारी बारिश के चलते ट्रैफिक जाम हो गया है। मुंबई नगरपालिका एजेंसी ने आज दोस्तों स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। वहीं भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए स्पाइसजेट, इंडिगो और विस्तारा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज कुछ उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम गुजरात के अंदर आज रात तूफानी बारिश की दोस्तों चेतावनी जारी कर दी है। इस समय बता दें कि मुंबई डूबा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने पूरे मुंबई के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बताया है कि आज रात फिर से तूफानी बारिश होगी। बता दें कि मुंबई के चेंबूर, घाटकोपर, नवी मुंबई, नेहरू नगर, कुर्ला, दहीसर ईस्ट, बेलापुर, चूना भट्टी, ये इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद गुरुवार को रेल और वाहन यातायात बहाल हो गया है। पता दी कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी ही पानी था। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया था, जिसके चलते लोकल ट्रेनें जहां तहां दोस्तों रुक गई थी। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया था, साथ ही कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज भी मुंबई के अंदर जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बता दी कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के अंदर 2 नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हो गए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहीं इसके अलावा राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर 29 सितंबर तक तूफानी बारिश होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा और खतरनाक, भयंकर से अति भयंकर बारिश छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 3 दिन तक जारी रह सकती है। यहाँ तूफानी बारिश होगी और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हालात और ज़्यादा बेकाबू हो सकते हैं, जिसके चलते बता दें कि अब की बार बारिश का लॉकडाउन लग गया है। कई राज्यों में दोस्तों बता दें कि हालात बदतर हैं, बाजार भी नहीं खुल पा रहे हैं, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, सावधान रहें, क्योंकि भारी बारिश के चलते लोगों की जानें जा रही हैं। वज्रपात का कहर भी देखा जा रहा है, सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, इसलिए आप सभी को सचेत और अलर्ट रहने की जरूरत है। रात के समय भी सावधान रहें। वर्तमान में आप किस राज्य, किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।